व्हाट्स अप गाइस, फिर स्वागत करना चाहूंगा आप सभी लोगों का मेरे एक नए व्लॉग में। एंड आज वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप के ग्रैंड फाइनल्स का आखिरी दिन है, और सिर्फ आखिरी दिन नहीं है मेरा, आज चेन्नई में भी आखिरी दिन है, क्योंकि आज चेन्नई का पूरा टूर जो वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप के लिए मैं मेन रीजन वही था कि वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप के कास्टिंग के कारण ही मैं चेन्नई में था। आप लोगों ने मांग किया था वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप के ग्रैंड फाइनल का ब्याज नसीब, तो जरूर से मैं आपको डिलीवर करूंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता आप लोग मांग करो और मैं नहीं दूंगा। और बट एक चीज है यार, आप लोग जो मेरे से मांगते हो मैं तो देता हूँ, बट मैं जो आप लोगों से मांगता हूँ वो नहीं दे रहा यार। लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। बहुत लोग हैं अभी भी मेरे चैनल पे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। जिन जिन लोगों को भी लगता है ना कास्टर्स बड़ी महंगी गाड़ियों में जाते हैं, बड़े बड़े जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं गाड़ियाँ भेजते हैं, ये देखो कुछ। और हमारे साथ एक और बंदा है जो मतलब पैसा बहुत कमाता है मिलियंस में, हम ये देखो कोई बात ना करे भाई यार, इतना ज्यादा एंक्शियस हो रखा हूँ ना मैं कि कौन जीतने वाला, कौन ऊपर आने वाला। सो मतलब फिलहाल तुम बताओ, मेरे ख्याल से सुबह नहाया नहीं ना, टॉप पे आ सकते, नहाया नहीं ना सुबह, नहीं मैं नहाया। अच्छा गाइस, आज तुम कमेंट सेक्शन में बताना कि इसने नहाया कि नहीं, बता। रुको रुको, नहीं तू बता पहले बता। ओके, सो केमिनी स्पोर्ट्स आई थिंक टॉप पे आने वाली है, बट टीजी भी आ सकती है, दो टीमें हैं जो कि टॉप पे आ सकती हैं। खाना खा लिया, अब बताओ क्या होगा आईटीजी आखिरी दिन। वैसे सिर के पीछे कुछ तो हो रहा है, ठीक है आप बोल सकते हो। बोलो अभी ये सब काम सीढ़ी कर सकता है। हाँ, दूसरी चीज क्या होगा ये आपको देखने के लिए आना पड़ेगा वर्ल्ड ई-स्पोर्ट कप में फाइनल्स में। कैमिनी स्पोर्ट्स टेंशन मत लो, ये व्लॉग वैसे भी बाद में जाने वाला, तो बोल दो क्योंकि भाई आप बताओ क्या होगा, जो बोलना बोलो, क्योंकि ये ब्लॉग तो वैसे भी कल परसों जाने वाला। अच्छा, मुझे वैसे तो लग रहा है, मेरा दिमाग कह रहा है केमिन जीतेगी, ओके, बट मेरा दिल कह रहा है टोटल गेमिंग, मेरा दिल कह रहा है टोटल गेमिंग, और टोटल गेमिंग जीती तो भाई आज तो भाई छप्पड़ फाड़ यू नो जो है इंडिया टुडे में व्यूज भी आने हैं और पार्टी भी होने वाली है, पार्टी भी होने वाली है। चलो ऑल द बेस्ट, यो टेक केयर मैन, टेक केयर, कास्टिंग करना फिर से करो। ब्लॉग है, रीटेक नहीं होता, तुम बोलो बस। करो ना यार, नहीं। अरे लाइट फाइट चालू नहीं हुआ है। ओ गाइस, आज छुट्टी नहीं है, आज फाइनल से प्लीज। वैसे तो गाइस मैं नोट्स ज्यादा बनाता नहीं हूँ, बट ये यहाँ पे बस स्लॉट लिस्ट, और ये वैसे सीक्रेट चीज है बट आप लोगों को एनीवे स्ट्रीम के बाद देखने को मिलेगा, सो डोंट वरी गाइस। देखो वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है, कि कास्टिंग कर लो, उसके बाद होस्ट एनालिसिस पे आ जाओ और बड़े आराम करो। और आराम देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, यहाँ पे सोफे पे बैठे हुए हैं, और सामने किसका फाइट चल रहा है पता है अरे भाई को, तो पता है आप लोगों को नहीं पता, टोटल गेमिंग वर्सेस ओरांगुटांग लीड, क्या चल रहा है अरे भाई, क्लैश चल रहा है। मैंने ना प्रोडक्शन से किसी को चुरा लिया है, बताओ कौन जीता। अरे नहीं बता दो, वैसे भी ब्लॉग कल जाने वाला है, आज जाए कल जाए, अरे नहीं देख रहे हो, देखो वैसे मैंने देख लिया है, मैं भी बोल सकता हूँ, बट स्टिल आई वांट टू से नो कमेंट्स ऑन प्रोडक्शन। देखो स्ट्रीम पे तो पेटोनिया को शाउट आउट देना मना है, बट मैं अपने ब्लॉग पे तो एटलीस्ट दे ही सकता हूँ, तो आई विल टेल कि अ बिग बिग थैंक यू टू पेटोनिया, क्योंकि उनके वजह से इतना, मैंने बोला ना, मैंने पहले दिन में बोला था कि लैंड वाला फीलिंग आ गया यार भाई, सच्ची में ना आया ना लैंड वाला फीलिंग, लैंड ना होकर भी आया, मतलब स्टार्टिंग में दुबई होने वाला था, इस वजह से बहुत लोग बोल रहे थे दुबई होने वाला, बट हुआ नहीं क्योंकि कोविड केसेस की वजह से, बट वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप का सफर खत्म हो चुका है मेरे और एरो भाई के लिए। अब जो विनर्स वाला सेशन है वो रॉकी एंड टेकीला करने वाले हैं, बस और क्या, जो सफर है बाकी सब तो दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि व्लॉग यहाँ पे एंड हो रहा है, बट हमारा सफर हो रहा है, काफी मजा आया एरो भाई, कुछ बताना चाहते हो और क्या? बहुत मजा आया औरो भाई के साथ, पूरा टूर्नामेंट कास्ट किया, इज वन ऑफ माय फेवरेट कोका, इतना अच्छा लगा ना, लाइक हम लोग की साथ की एनालिसिस हो या फिर हम लोग की शाउट कास्टिंग हो, हर एक चीज बहुत स्मूथ गई, पूरा टूर्नामेंट एंजॉय किया हम लोग ने साथ में, बिहाइंड द सीन्स तो यहाँ पे औरो भाई दिखाते थे भाई, मैं रूम से निकलता हूँ औरो भाई कैमरा लेके आई भी भाई बताइए, बहुत अच्छा लगा, और टेकीला भाई भी हमारे साथ, with a black rose, Chakila and Rocky bhai ready to announce the winners, yes.
फाइनली डन टकीला क्या हुआ इतना ऐसा हालत बैक कैमरा पे ले रहे हो क्या बैक कैमरा पे बैठे हो नहीं भाई आज एग्जॉस्टेड यार गाइस फुल एग्जॉस्टेड जान लगा दी पूरी क्या जोड़ बोल रहा हूं नहीं लगा जान क्या बोल रहा मैंने मैंने लगा इसका पता नहीं मेरे को अब बात करो जरा कैमरे पे आके ना भैया की एकदम शक्ल चेंज हो जाती है देखिए ढंग से देखिए बोलना नहीं बोलो ना कैसा फिर आज आखिरी दिन एकदम पितृदेव बोलना पितृदेव नहीं नहीं इधर नहीं बोलने का अच्छा थोड़ी मारने का उधर साले पूरा फ्री फायर के प्लेयर मर जाएंगे इधर मार के जगह मतलब मजाक में बोल रहा हूं मैं भाई भाई सब बीफ करना पड़ेगा तेरे चक्कर में धंधा बंद करवाएगा ये एनीवेज गाइस फाइनली चेन्नई ट्रिप इज कमिंग टू एन एंड फॉर ऑरो गेमिंग बंदे जा रहे हैं भाई मैं कल जा रहा हूं कम बैक फॉर मी सो थैंक यू प्लेटोनिया फॉर होस्टिंग अस एंड थैंक यू ऑरो फॉर द ज्यादा हो गया कट बैग सर पैक्ड ये देखो आप लोग सोचते होंगे ना कि अकेला बंदे कितना सामान होगा एक मेरा लैपटॉप बैग एक मेरा जैकेट मैंने इसमें लिया है यहाँ पे चार ब्लेजर्स हैं ठीक है एक ब्लेजर इसके अंदर लिया है ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकते हो कि फ्लाइट में ट्रैवल करते वक्त 15 किलो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 15 किलो से ज़्यादा भारी हो चुके हो भाई साहब 15 किलो से ज़्यादा लग रहा है मेरे को तो शायद मुझे पे करना पड़ सकता है एक्स्ट्रा क्योंकि हमें पता है कि एक्स्ट्रा हर किलो का 500 रुपये देना पड़ता है सो अगर हुआ तो फिर गंदा लॉस हो जाएगा भाई नहीं चाहता भाई पैसे नहीं है बाबा पैसे नहीं व्हाट्स अप गाइस हाय फ्रॉम बैंगलोर एयरपोर्ट यार एयरपोर्ट पे हूँ जहाँ भी जाऊँ व्लॉग हो रहा है और मैं वॉशरूम से व्लॉग ना करूँ ऐसा तो हो नहीं सकता प्रॉब्लम यह है कि मेरा जो फ्लाइट था आज जो मुझे 12 बजे बोर्ड करना था और 2 बजे मुझे कोलकाता पहुँचा था क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे फादर का तबीयत ठीक नहीं है अभी एंड वो फ्लाइट कैंसिल हो गया उसका मैसेज मुझे आज सुबह आया एंड इमीडिएट मेरे को तो घर तो जाना ही था तो फ्लाइट जो है मुझे बहुत बुरा फ्लाइट मिला है लाइक बुरा इन द सेंस कि एक बहुत बड़ा लेओवर है अब लेओवर का मतलब जिन लोगों ने पता मैं बता देता हूँ तो अब मुझे 10 बजे चेन्नई से मैं निकला फ्लाइट बोर्ड किया मैं आया बैंगलोर ठीक है अब बैंगलोर मुझे जाना नहीं है बट बैंगलोर मुझे आना पड़ा क्योंकि मेरा दूसरा जो कोलकाता का फ्लाइट है वो बैंगलोर से तो यहाँ पर मुझे बैंगलोर में उतर आ गया करीब 11:30 अब मेरा जो अगला फ्लाइट है वो यहाँ से बैंगलोर से है 6:30 बजे अब 5 घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्या करें एयरपोर्ट पे बैठे हैं